और वो लड़की पतली थी, मैं इसलिए देख रहा था में कैप्चर हो गया, पता नहीं क्या मैं था ये ना कैमरा सेट करियो ऐसे से देख रही हूं इसलिए ये तो ऐसे बैठी है भाई, कोई भी डर जाएगा इंसान। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी आज भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ व्लॉग। अभी रात को तो हम लेट आए थे, उसके बाद मैं तो लेट ही उठा, अभी 9:30-10 बज चुके हैं। रोनी भी लेट ही उठा, अभी पता नहीं सोए हुआ वो। पीठ पीछे रूपाली ने क्या क्या काम कर दिए, झाड़ू, पोछा, पूजा, छत में पानी भर दिया और पराठे भी बना रही है। मैं तो उठा ही अभी अभी हूँ, बना रही हूँ, वरना मैंने पहले बना लिया। अच्छा ये हम लेट उठे इसलिए, क्या बात है रूपाली, इसकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है, वैसे सही बता रहा हूँ, आलस नहीं है इसके अंदर, ये बात है। वो मिठू को देख, वो भी चला गया अंदर, उसके बीज खत्म तो नहीं हो गया कटोरी में? उसको मैंने वैसे उसको खिला दिया थोड़ा सा। अच्छा मैं बीज डाल देता, देखो अंदर तब जाता है जब उसको बीज चाहिए होते हैं, बीज हाँ मैं बीज डाल देता। ओ यहाँ आ गया, मैंने बीज खोले, वो यहाँ आ गया। सारे मिठू वही दे रहा हूँ तेरे को, इतना अभी क्योंकि उसको साफ करना है ना। मिठू आजा यहाँ साइड में, दूसरे वाले बीज। हाँ ये भी अपना लगी, इसी भूख लगी। इतना पंचुअल हो गया ना, जिस टाइम पे हम खाते हैं उसी टाइम पे खाता है भी, हमारे भी खाने का टाइम हो गया था तो इसका भी हो गया। हम लेट उठे पर वो खा रहा है अपना, क्या कह रही है और वाली माने भगवान सब आलू के पराठे, वो चीज़ें जो तो सबसे बेस्ट बनाती है। और आज मिक्स अचार भी है। हाँ अचार भी लिया करना, दूसरे वाला अचार लिया है मिक्स वाला नया, और अच्छा लग रहा है मुझे, सही है। चल मैं फ्रेश हो जाता हूँ ना। ब्रेकफास्ट हो चुका है और पराठे खाए आलू के, कसम से बहुत ज़बरदस्त है। वो तो अभी भी खाली थालियाँ लेकर बैठी है, मैंने भी खाया। तो किसका वेट करी, जाके रख देना। और रोनी चला गया वो दूध लेने, और अब ऑफिस का काम करना है। पता नहीं यार काम का स्ट्रेस ज़्यादा है, पता नहीं किस चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और रूपाली का स्ट्रेस ज़्यादा हो गया मुझे, तो ठीक है चलो अभी तो मैं आपसे काम कर लेता हूँ, और फिर जब बाहर जाएंगे तब बनाएंगे। और कर लो शादी, स्ट्रेस बन जाओगे। शाबाश, गंदी लाइनें बोल कर जा रही है। अभी तो नज़ारे लगा दिए भाई, ये तो बाहर वाले बंदों से भी टेस्टी बना रही है। और कल ही मुझे बोल रही थी स्टार्टअप करना है कि एक रेस्टोरेंट खोलना है, ढाबा टाइप में खोलना है इसको, और वहाँ खाना बनाना है। छोटा पड़ गया, अगर वाली ऐसा बनाना है ना तो खोल ले भाई, स्टार्टअप कर ले। बहुत जबरदस्त लग रहा भाई, बड़े बड़े क्या है, पास्ता बन रहा है, आजा जल्दी। ऐसा क्या कर दिया, पास्ता बन रहा है, पास्ता बन गया इनफैक्ट, आजा जल्दी बाहर, आजा जल्दी आजो, माहौल बनाया हुआ है। उतरी सही रोशन शहद, क्या ये कोल्ड कॉफी या शेक है? है क्या वो मुझे नहीं पता, बेल का जूस है मतलब, कोल्ड कॉफी है, बेल का जूस है, शेक है क्या? अभी रंग तो ऐसे ही लग रहा है ना, तीनों का सेम होता है, देख शेक भी वैसे दिखता है और बेल का जूस भी वैसे दिखता है। कोल्ड कॉफी है क्या बता दो, देख मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, है क्या ये तो बता दे। कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं पीने के बाद ही बता दूंगा वो है क्या, अभी तो पता नहीं लगा तो मैं क्या कर। यार मैंने जेन्युइन नहीं पूछा था, कैरी कट करी से, कैरी कट करी से इतना दिल पे लेगी। नमक नहीं है, ग्लो देख लो चेहरे पे, स्वेटिंग बोलते हैं इसको गर्मियों में। मेन पार्ट आ गया है, ये कोल्ड कॉफी है और रोनी ने टेस्ट करी, रोनी ने बताया कोल्ड कॉफी है, कोल्ड कॉफी है। मेरी तरफ मत करियो, क्या मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, ऊपर से टी शर्ट नहीं है। नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं कर रहा हूँ, टेंशन की क्या बात है। पर पास्ता बहुत स्वाद हो रहा है और कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी हो रही है। आ जा रूपाली जल्दी, खुला पास्ता नहीं चाहिए, पैकेट वाला पास्ता। क्यों, कोल्ड कॉफी अच्छी बनी है, पता लग गया कोल्ड कॉफी है। क्या अच्छा नहीं लग रहा तेरी बात? अच्छा पचाया हुआ इतना ज्यादा, क्या कर रही है, इतना शोर मचाया हुआ है, मक्खन निकाल, ऑफिस का काम भी नहीं करने दे रही। बन रहा है अभी, ये तो क्रीम लग रही है, बन रहा है, गाय का है, गाय। अच्छा हाँ इधर गाय का दूध भी है ना, उसकी जो थोड़ी मलाई हुई है उससे। क्या बात है, रूपाली की अभी आवाज आई है कि उसने मक्खन बना लिया। देखा तेरे बन गया। गाय वाला मक्खन थोड़ा थोड़ा येलोइश होता है ना, और अगर भैंस के दूध का होता है ना तो प्योर वाइट होता है। ये जैसे वो होता है वेल का वाला, हाँ तो येलो होता है। वैसे सही है, येलो येलो सा, सही बात है। ओ तेरी क्या कर रही है? घी बना रही। वहाँ भी चढ़ी हुई है यार, थक खड़े खड़े थक गई थी, फिर बैठ गई। पहली बार बना रही हूँ भाई। अच्छा घी फर्स्ट टाइम बना रही लाइफ में। मक्खन तो किया है पर वहाँ चढ़ने का मतलब समझा नहीं। अरे वो मैं बर्तन कर रही थी साथ में और घी वो निकल गया, क्योंकि इसको साथ साथ में ऐसे करना पड़ता है भाई, फिर महंगा होता है तो वेस्ट थोड़ी करना। मैं डर गया, मैं ये देखने आया था कि मैंने सुना था कि घी बना रही है, मैंने कहा कि घी बना रही है, मैं चुपके से जाके देखता हूँ क्या कर रही है। ये तो ऐसे बैठी है भाई, कोई भी डर जाएगा इंसान। अभी फिलहाल हमने मिठू को खाना पीना खिला दिया है, और आज हम तीनों ने डिसाइड करा है, मैंने, रूपाली ने और रोनी ने, कि बाहर ही जाकर हम थोड़ा सा डिनर करेंगे। और मिठू को खाना पीना खिला दिया, बीन्स खिला दिए, बीज खिला दिए, पानी पिला दिया, सेटलमेंट कर दिया और उसको AC लगाकर सुला दिया। अब हम तीनों जा रहे हैं, बस एक बार दूध गर्म हो जाए, फिर उसके बाद तैयार होकर हम तीनों की तरफ निकल रहे हैं। बाहर हमने सोचा है कि चूर चूर नान खा कर आएंगे। रोनी लेक पर गया, हम उसको वहीं से पिक करेंगे। अभी हम बस निकल गए, रोनी ने कहा कि गिटार भी ले आना, वहाँ गिटार भी ले करेंगे। ओ बाजीगर ओ बाजीगर, ओ ये तो चल बड़ी भाई गिटार हो जाने, देखिए देखिए। तो अभी खाना पीना खाने के बाद लेक पर बहुत तेज हवा चल रही, तो शायद हम वहाँ गिटार प्ले करेंगे तीनों बैठ कर। अभी तक प्लान यही है। रूपाली तो गाने गाएगी ना? ना। क्यों? चल तू एक काम करी, तो गिटार बजा लियो, गा हम लेंगे, ठीक है? मैं वीडियो बना लूंगी। तू वीडियो बनाएगी, फिर गाएगी भी नहीं होना तो बजाएगी। चलो ऑडियंस बन जाइयो, ठीक है? कैमरामैन बन जाइयो। चलो अब सीधा रोनी के पास मिलते हैं, वो वेट कर रहा है हमारा बेचारा। तो गाइस अब निकल गए, पर अभी डिसाइड नहीं हो रहा क्या करना है, चाइनीज खाना है या फिर डिसाइड हो गया है, तुझे नहीं बताया हमने। हम तो कहाँ जा रहे हैं रोनी? हम जा रहे हैं कालसा। कहाँ जा रहे? कलसांग। बहुत देर से डिबेट चल रही थी कि कालसंग होता है कि कलसांग होता है। यार मुझे लगता था कि कलसांग ऐसा ही होता है, मुझे लगता था कि कलसांग होता है, पर रोनी ने बताया कि कालसांग होता है। कालसांग तो हमारी गलत बोल रहा है, कालसंग होता है, मतलब जो भी है। इससे अच्छा कलसांग लग रहा है। हाँ बोलने में तो मुझे भी कलसांग ही, मैं भी हमेशा तो कलसांग ही बोलता हूँ, बट कभी कभार इज्जतदार आदमी बनना होता है ना, तो मैं कालसंग बोल देता हूँ जब कुछ दूसरों के सामने इज्जत बनानी होती है, वरना तो दोस्त यार लपाटों में तो मैं कालसंग ही बोलता हूं। मेरा भी यही सीन है। कालसंग पहुंच गए, रोनी तो खुश है यार, नूडल्स खाने थे इसको, वो अंदर बाहर ही करता रह गया। देखा ना, हमने पहले चिली गार्लिक नूडल्स मंगाए हैं, और अभी हमारे मतलब मोमोज वगैरह आ रहे हैं। चटोरी भाभी भाई मेरी, ये रोनी की पसंद है। नहीं पसंद रोनी की है, नो डाउट पसंद रोनी की है, और रोनी लेकर आया मैं यहाँ। आई लव चिली गार्लिक नूडल्स, और अभी तो चीज स्पिनिच मोमोज आएंगे, वो स्वाद होते हैं। ये स्पिनिच वाले चीज स्पिनिच मोमोज मंगाए हैं, दिखाइए। अंदर पूरा का पूरा चीज और स्पिनिच भरा हुआ है, स्वाद है। उसकी याद आ रही है, स्पिनिच खाता था, कैसा लगा? जो देखते थे पोपाय, कैसा लगा? तुझे कैसा लगा? उसके तो फेवरेट ही है, मुझे भी अच्छे लगे, मतलब अच्छे हैं। दीवाना दीवाना ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, उसकी पैर की उसकी जाना, करता है ये दिल, आप पर ले मेरा बिल ये दिल। अभी हम सबने डिसाइड करा है कि अभी घर जाने से पहले हम लेक पे जाएंगे और गाना, मतलब रूपाली ने डिसाइड करा। अच्छा रोनी ने, तुम दोनों ने, रोनी ने, मैंने भी इतना क्या ही करा। रोनी ने डिसाइड करा कि हम यहाँ गाने पे जाएंगे, वो चल रहा है आगे, वो कह रहा आज मौसम अच्छा है तो ऊपर गाने गाएंगे। दिल पे रहाना हस्ती हमारी खोने लगी, ओ, 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 बहुत अच्छा सॉन्ग आता है यार, दिल झुमा देता है। गा खुद रहा है, नहीं नाम मेरा ले रहा है, दिल झुमा देता है रोनी। जिस हिसाब से गिटार के साथ कॉम्बो करता है ना अपना, इसका अगला पैरा क्या है, मजा आता है। तूफान चल रहा है भाई, इस चाय पे तूफान चल रहा है। उसने भी पैकिंग शुरू कर दी। लेक पे क्या सन्नाटा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और तूफान देखो, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है अब। हाँ मस्त लग रहा है, किसी भी टाइम बारिश होगी तो अच्छा लगेगा। कुछ नहीं रहा, जल्दी आ जाओ वाली, आ जाओ। उसको 100 रुपये पे करने थे, मैंने 1000 कर दिए। अच्छा, और कुछ और कुछ तुझे लग रहा है? इसने 100 रुपये करने के तो 10 रुपये करेंगे पे। इसने 1000 करेंगे पे। क्यों? जिसको 600 करने थे उसको 650 किए हैं मैंने। तूने या मैंने कितना झूठ है। तेरे फोन से करे मैंने। ओए मेरे फोन में सिग्नल नहीं थे। अरे मेरे फोन से ही किए, पहले मैंने अपने फोन से करे, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे तो मैंने रूपाली के फोन से करे, पर करे मैंने, वो मैं था। सुन तो सही, कल क्या हुआ, गाड़ी में बैठी हुई वीडियो उड़ा रहे, रील, मैं कैमरा सेट कर रही हूँ रील बनाने के लिए, और मैंने ना कैमरे में देखा इसकी आंखें, क्या देख रहा था, बंदिया। मैंने बोला क्या ये यार, देख कितनी पतली लग रही है ये। और वो लड़की पतली थी, मैं इसलिए देख रहा था। कैमरे में कैप्चर हो गया, पता नहीं क्या मैं ये ना कैमरा सेट कर रही हूं, ऐसे से देख रही हूं इसलिए ना। मैं बताता हूं, गलत बात है, मैं बताता हूं, बंदा पकड़ा ना। मैं बताता क्या हुआ था, देख पूरा बताता था क्या हुआ था। रुक, मैं बताता क्या हुआ था। देख रूपाली, रूपाली एक बार कैमरा लगा जैसे तू लगा रही थी, ये ना ऐसे, ये ना जैसे ऐसे कैमरा ऑन किया इसने ना, कैमरा ऐसे ऑन किया और मैं ऐसे बैठी, ये ऐसे देख रही थी, ठीक है। अब लड़कियां यहाँ से जा रही थी, ठीक है, और मैं ऐसे देख रहा था, मुझे लगा इसका ध्यान पूरा नीचे, मैं ऐसे देख रहा था। और वो लड़की बहुत पतली थी, मैं यही देख रहा था। भाई कोई पतली नहीं थी। कितना पतली है, बस उसने क्रॉप टॉप पाया था। चलो घर चलते हैं, घर पे बात करेंगे दोस्तों। ये तो मैं होता ना भाभी, मैं ना सहता भाभी, मैं ना सहता। उधर देख रहे हैं, बोल सकते हो तो लड़की खड़ी है, मैं बता रहा हूँ 2 किलोमीटर दूर से खड़ी है। खड़ी थी ना लड़की उधर, देख ले रही है। मैंने नहीं देखा भाई, मैं पतली थी वो लड़की, यही देख रहा था। तूने घर चलते हैं यार, नहीं देखा, रेड टॉप आया था। अच्छा भाई कितना झूठ कह रही है, क्रीम टॉप था। कह रही रेड टॉप तो यार कुत्ता ही नहीं था, क्रीम टॉप ही था, मैंने भी देखा, इसीलिए बोला। चलो यार चलते हैं, सीधे घर चलते हैं।